हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एडमिट क्लास। आधार का लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर किसी प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन हो। आज इस वीडियो में दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्कॉलरशिप है, दूसरा बैंकिंग लिंकिंग है, तीसरा ऐसे और कौन सा लिंकिंग है जिसके माध्यम से आपका स्कॉलरशिप रुक सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपका आधार जो है वो बैंक से लिंक है या नहीं। तो किस प्रकार से चेक करते हैं, वीडियो में बने रहिए, आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी अपडेट क्लास के ऊपर। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, जो आधार कार्ड का है UIDAI, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड का। आपको जाना है माय आधार के ऊपर, वहाँ से आपको सीधा चला जाना है चेक आधार बैंक लिंकिंग का स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप दो चीजों को पता कर सकते हैं, पहला ये कि आपके बैंक के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं, दूसरा कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। ये दोनों चीजें यहाँ से पता चलती है। चलिए हम लोग कैसे किस प्रकार से चेक करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ आधार नंबर डालेंगे जो 12 डिजिट का होता है, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा साफ साफ ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा गया है, इससे यह जाहिर होता है कि आपके इस आधार के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक है। अब हम लोग ओटीपी डाल करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक है या नहीं। चलिए हम लोग ओटीपी को एंटर करते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मैसेज हो गया, कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। बैंक लिंकिंग का स्टेटस देखिए एक्टिव दिखा रहा है, जो बैंक लिंकिंग डेट है वो भी दिखाएगा आपको 30/3/2019, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आप अपना बैंक लिंकिंग का स्टेटस जो आधार से है या नहीं चेक कर सकते हैं। दूसरा कि आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ से पता चल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के ऊपर आपको इस प्रकार से किस प्रकार से आपको हेल्प करेगा। इसे जानने के लिए हम लोग को समझना होगा डीबीटी को। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आपकी जितने भी स्कॉलरशिप, पेंशन या फिर जितने भी सैलरी वगैरह होता है वो डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होता है आपके बैंक अकाउंट में, और ये वर्क करता है सीधे आधार कार्ड के ऊपर, यानी कि आधार कार्ड का जो नंबर है 12 डिजिट वही यूनिक डिजिट के ऊपर ये वर्क करता है। यदि आपका बैंक के साथ आपका आधार कार्ड नहीं लिंक होगा तो आपका कोई भी इस प्रकार से फंड जो डीबीटी के थ्रू आता है वो ट्रांसफर नहीं होगा। उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि आपका जो डीबीटी है उसे आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। डीबीटी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझ गए होंगे। चलते हैं सीधे कल्याण पोर्टल के ऊपर और वहां से जाकर के हम लोग जानते हैं कि आपका किस से वहाँ शो करता है मैसेज। अब हम लोग सीधे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट आर चेक देयर आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट नंबर स्टेटस क्लिक हियर। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सेम जो अभी मैंने बताया इस पोर्टल के ऊपर आपको ले जा करके पटक देगा। ये इसलिए बताता है कि देखिए यहाँ एक मैसेज और है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू गिव देयर आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट नंबर वाइल अप्लाइंग। जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका बैंक जो है वो आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों आप लोग समझ गए होंगे, डीबीटी के द्वारा ही आपका फंड ट्रांसफर होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप रिलेटेड दूसरा पॉइंट जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों को, उसमें क्या है कि आपका यदि 45% से मार्क्स कम है 12th में तो आप स्कॉलर के लिए अवेलेबल नहीं है। चेक करने के लिए हमें एक स्टूडेंट का लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, तीन प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है और लॉगिन करने के लिए चूज करेंगे किसी एक को। यहाँ से हम उस स्टूडेंट को चुन लेते हैं, कैप्चर फिल करेंगे, साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उस स्टूडेंट का खुल गया है पूरा डैशबोर्ड। यहाँ हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर चेक करेंगे, सिलेक्ट ईयर, अभी ईयर चल रहा है 2021, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं स्टेटस पेंडिंग और रिजेक्टेड का रीजन, रिजेक्टेड बाय डीए ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया है, लेस देन 45% मार्क्स फॉर बीसी। देखिए एससी के लिए, एसटी के लिए ये सब कम रखा गया है, 40% मार्क्स इस प्रकार से उन लोग के लिए अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो बीसी में आते हैं BC1 BC2 उनके लिए 45% मार्क्स मिनिमम तो मिनिमम होना ही चाहिए, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, आपको डीए ऑफिसर के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट था, और भी कुछ अपडेट आते रहता है तो आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, नया वैकेंसी आया उसका अपलोड किया गया है वीडियो, आप जाकर के देखें, वैकेंसी को अप्लाई करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।